दोस्तों मोदी सरकार ने कल एक न्यू पेंशन स्कीम अनाउंस किया है जिसका नाम है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे कुछ लोग लॉलीपॉप बता रहे हैं तो कुछ लोग झुनझुना बता रहे हैं, वही कुछ लोग इसे ओपीएस का रीब्रांडेड वर्जन बता रहे हैं। तो असल मायने में ये है क्या, ये पूरी वीडियो देखिए आप समझ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं ओपीएस के बारे में, क्योंकि ओपीएस को अगर हम अच्छे से जान लेंगे तो हम यूपीएस को अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे। तो देखिए ओपीएस में होता ये था कि रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉय होता था उसकी लास्ट सैलरी का जो बेसिक होता था उसका 50% या फिर लास्ट 10 मंथ का जो सैलरी होता था उसका बेसिक का एवरेज निकाल करके दोनों में से जो ज्यादा होता था उसे ऐड किया जाता था, प्लस डीए या फिर डीआर जो कह लीजिए, डीआर जो उस समय चलता था उसे जोड़ा जाता था और जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनता वो पेंशन बनता था ओपीएस का। ओपीएस में आपको फैमिली पेंशन का भी प्रोविजन है कि अगर एम्प्लॉय एक्सपायर कर जाता है, डेथ कर जाते हैं, तो फिर जो है फैमिली को पेंशन अमाउंट का 60% अमाउंट फैमिली को दिया जाता था, ये आपको ऑप्शन उसमें मिलता था। एक और चीज था कि ओपीएस में एम्प्लॉय की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, यानी कि एम्प्लॉय के सैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं होता था, बल्कि फुल्ली ये गवर्नमेंट फंडेड होता था शुरू से लेकर के लास्ट तक। अब चलिए बात करते हैं यूपीएस के बारे में। तो यूपीएस में भी कुछ कुछ ओपीएस की तरह ही है, जैसे कि आपको लास्ट 12 मंथ्स का बेसिक सैलरी के एवरेज निकाल करके जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट, प्लस डीए आपको वो नहीं मिलेगा जो हर 6 महीने में बढ़ता है, बल्कि अलग से सरकार एनुअली डीए अनाउंस करेगी और वही डीए जुड़ेगा। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों को मिला करके जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा पेंशन यूपीएस में। इसके अलावा फैमिली पेंशन का भी प्रोविजन है और फैमिली पेंशन का प्रोविजन सेम टू सेम ओपीएस की तरह ही है कि जो पेंशन है उसका 60% फैमिली को मिलेगा जब इम्प्लॉय अगर डेथ कर जाते हैं तो। इसके साथ साथ इसमें कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए, जैसे कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मिनिमम पेंशन। तो पहले क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए 25 साल तक की आपकी सर्विस होती है या उससे प्लस अगर आपकी सर्विस होती है तो ही आपको 50% पेंशन मिलता है। कम से कम पेंशन आपको 10,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा और पेंशन पाने के लिए कम से कम आपकी सर्विस 10 साल की होनी ही चाहिए, यानी कि 10 साल की अगर आप सर्विस करते हैं तो 10,000 रुपए पर मंथ का पेंशन आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। और 10 साल से ऊपर जितना ज्यादा समय का आपका सर्विस होगा उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके आपका पेंशन बनता है। तो अभी कुछ लोगों के मन में ये सवाल है या कुछ लोग ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं कि भाई अगर किसी की 20 साल की सर्विस होती है तो उसे 10,000 रुपए ही पेंशन मिलेगी। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर किसी की 20 साल की सर्विस होगी तो उसे 10,000 रुपए पेंशन नहीं, बल्कि 20 साल के सर्विस के हिसाब से कैलकुलेट करके जो अमाउंट बनेगा वो उसे पेंशन मिलेगा, जो 10,000 रुपए से बहुत ज्यादा होगा लेकिन 50% से कम होगा। तो ये आपने यूपीएस के बारे में जान लिया। अब चलिए एक कंपैरिजन देख लेते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन अमाउंट के बारे में। तो आपको ओपीएस में जो पेंशन मिलता है तो आपको 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी का पेंशन मिलता है ओपीएस में। तो एनपीएस में कोई फिक्स नहीं है कि कितना पेंशन मिलेगा, इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर निर्भर करता है कि आपको पेंशन कितना मिलेगा। कई बार बढ़ के मिल सकता है, कई बार घट के मिल सकता है। यूपीएस में बात करें तो यूपीएस में 50% ऑफ एवरेज सैलरी, जो कि पिछले 12 महीने के बेसिक सैलरी का एवरेज निकाल करके आपको उसका 50% दिया जाता है। अब बात करते हैं फंडिंग का। तो ओपीएस में फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट के द्वारा होता है, लेकिन एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉय दोनों का होता है। यूपीएस में बात करें तो यूपीएस में भी गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉय दोनों का होगा, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया है कि 18.5% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होगा, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। अब कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, इससे यह पता चलता है कि जो एनपीएस में डिडक्शन हो रहा है वही अमाउंट रहने वाला है, यानी कि 10% रहेगा एम्प्लॉय की तरफ से प्लस 18.5% रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉय दोनों को मिला करके कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा यूपीएस में। अब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो आपको ओपीएस में जीपीएफ का फैसिलिटी मिलता है, एनपीएस में आपको कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलता और यूपीएस में भी आपको कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलता। प्रोविडेंट फंड देख लिया। ग्रेच्युटी की बात करें तो ग्रेच्युटी ओपीएस में आपको
20 लाख रुपए तक का मिलता है, लेकिन वही एनपीएस में कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है, यानी कोई ग्रेचुएटी नाम की चीज आपको एनपीएस में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर हम यूपीएस की बात करें तो इसमें एक लमसम पेमेंट आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अब कितना किस हिसाब से मिलेगा ये अभी क्लियर नहीं है, जब फाइनल इसका ड्राफ्ट आएगा तो पता चलेगा। डेथ बेनिफिट की बात करें यानी फैमिली बेनिफिट की बात करें तो फैमिली बेनिफिट आपको ओपीएस में देखने को मिलता है, आपको एनपीएस में कोई फैमिली बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। यूपीएस में भी आपको फैमिली बेनिफिट देखने को मिलता है सेम टू सेम वैसे ही जैसा कि ओपीएस में। एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ओपीएस में एम्प्लॉय का कोई पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% का होता है, और यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में भी 10% का ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से होने वाला है। मार्केट रिस्क की बात करें तो ओपीएस में मार्केट रिस्क कुछ भी नहीं होता। एनपीएस में बात करें तो एनपीएस में मार्केट रिस्क वेरी हाई होता है क्योंकि वो शेयर मार्केट पर आधारित है, और यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में भी कोई आपका रिस्क देखने को नहीं मिलता, यानी कि रिस्क जीरो है। डियरनेस अलाउंस की बात करें तो आपको हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस यानी कि DR बढ़ता है, और उसका बेनिफिट सारे पेंशनधारी को मिलता है ओपीएस में। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में कोई DA का प्रोविजन नहीं है, कोई DR का प्रोविजन नहीं है, लेकिन यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में आपको DR का प्रोविजन मिलता है, लेकिन वो एनुअली सरकार डिसाइड करेगी कि कितना परसेंट आपको मिलना चाहिए, और जो निर्धारित किया जाएगा उसी के हिसाब से जुड़ता जाएगा। मिनिमम पेंशन की बात करें तो ओपीएस में कोई मिनिमम पेंशन नहीं है, एनपीएस में बात करें तो एनपीएस में भी कोई मिनिमम पेंशन नहीं है, लेकिन यूपीएस में बात करें तो यूपीएस में 10,000 रुपए मिनिमम पेंशन निर्धारित है, जो कि 10 साल तक की सर्विस आपको करनी ही पड़ती है तो आप एलिजिबल होते हैं। रिटायरमेंट लमसम की बात करें तो रिटायरमेंट लमसम पेमेंट आपको ओपीएस में कुछ देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ग्रेचुएटी मिलता है रिटायरमेंट के बाद। आपको एनपीएस में कोई रिटायरमेंट लमसम पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन आपको यूपीएस में एक लमसम पेमेंट मिलता है, और इसका भी कोई डिटेल अभी नहीं आया है कि कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या कैलकुलेशन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ओपीएस में वेरी लो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको एनपीएस में वेरी हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, और आप यूपीएस में देखेंगे तो इसमें आपको नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो आपको ओपीएस में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, आपको एनपीएस में टैक्स बेनिफिट मिलता है, और यूपीएस में भी आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। फैमिली पेंशन की बात करें तो ओपीएस में आपको फैमिली पेंशन मिलता है, एनपीएस में आपको फैमिली पेंशन नहीं मिलता है, और यूपीएस में भी आपको फैमिली पेंशन मिलता है। तो ये आपने कंपैरिजन देख लिया ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस। अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या ये लॉलीपॉप है या फिर ये झुंझुना है, या फिर ये सच में ओपीएस का एक रीब्रांडेड वर्जन है। जिस नतीजे पर भी आप पहुंचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।